के देख रहे मुझे कौन है ये. तो थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज प्लीज रेज योर हैंड वुड डोंट अंडरस्टैंड हिंदी और पंजाबी और उर्दू. यू ऑल अंडरस्टैंड हिंदी? यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी? यू हैव वन आवर ब्रेक. मैं ना टेंशन में आ जाता हूँ जब मैं ऐसे इंग्लिश बोलने वाले लोग देखता हूँ. तो मैं मेरे शो में बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए हैं एक्चुअली बहुत बार. मुझे ही पता है मैंने कैसे निकालने वो एपिसोड. ऊपर वाला जानता है. ओके भाई जी, पहला ये आपस में लगे रहेंगे. सो इनको एंजॉय करना है. हम आपस में बातें करेंगे ना, मैं इनकी तरफ देखूंगा ना आप देखना. उनको भी ना पता लगना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं. एंजॉय योर ड्रिंक्स गाइस. थैंक यू. Sammy, how are you? You are enjoying? Sammy heard a lot about you that you are very very witty guy. इसके बाद मेरी इंग्लिश में God give you understand to my English. जल्दी थी जावेद भाई आपको? जल्दी तो कोई नहीं थी, सारी दुआएं थी और एक मिशन था जी कि जिस इलाके से हम हैं वहाँ के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए. बेसिकली हमारा जो इलाका है जी वी आर विद बॉर्डर विद अफगानिस्तान और जिस तरीके से वहाँ पे हमारे हालात थे वो ऐसे कुछ नहीं थे जो टेररिज्म की वजह से उन चीज़ों की वजह से जी. लेकिन उसको एक अच्छे उस पर लेके आना, एक पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज दिखाना उस इलाके का, वो एक मिशन है और उस मिशन को आगे लेके चलना है और इंशाल्लाह इसी मिशन के साथ आगे बढ़ेंगे. बहुत अच्छी सोच है सर. चलो ये तो हो गया कि देश के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है. शादी आपने इतनी जल्दी कर ली, वो किस सोसाइटी को ध्यान में रख के आपने कर ली? 21 साल में किसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे? कि कंपनी ने टारगेट दिया था कि भाई पहले शादी कर लो ताकि फोकस सीधा आपका बिजनेस पे रहे, ऐसा कुछ तो नहीं था? बिल्कुल ऐसे ही था. और पठानों में खैर शादी जल्दी होती है और उनके पीछे क्या राज है जावेद भाई, पठानों की शादी जल्दी क्यों कर देते हैं? उनको पता है कि ये बंदा जो है ये खराब हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इस बंदे को जल्दी दे दो. अच्छा, पठान जो होते हैं बड़े सीधे दिल वाले होते हैं और बड़े मजाकिया भी होते हैं. और मैंने तरनजीत भाई मैंने पहली बार देखा है. ये दोनों तरफ है. एक तो ये सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और पेशावर में रहते हैं, तो इनमें दोनों क्वालिटीज हैं, ये खुद ही बोलते हैं. तो पाजी ये देखो बंदा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है. ये पहले सुबह सुबह तो मुझे यही लग रहा कि हायर कंपनी का शो नहीं है ये, पाकिस्तान सुपर लीग का शो नहीं है ये, इन्हीं का शो है, इनकी शादी पे आया हूं मैं सुबह से इतना. खैर दुबई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और एक बार जोरदार तालियां आप सबकी टीम के लिए, आपकी कंपनी के लिए. और सुहेल दलादारी साहब आए? नहीं आए अभी ना? आ रहे हैं रास्ते में. अमीर लोग हैं, जब मर्जी आए क्या फर्क पड़ता है. सो मैं जब भी दुबई आता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक्चुअली, क्योंकि दुबई में इतनी साफ सुथरी सड़कें हैं. अब तो खैर मौसम ठीक है, मैं कभी कभी सोचता हूँ साफ सुथरा हो भी क्यों ना, गर्मी इतनी पड़ती है कोई लिफाफा बाहर फेंकने के लिए हाथ निकालता नहीं गाड़ी से बाहर, इतनी गर्मी पड़ती है यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे जब भी आता हूँ इतना अच्छा फील होता है. और मैं ये भी खासतौर पर देखता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान से लोग, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, सब लोगों ने जो है मिलजुल के यहाँ पे बड़ी मेहनत की है, तरक्कियाँ की हैं. नहीं तो आज से कुछ साल पहले हमारे दिलों में एक वहम था कि तरक्कियाँ सिर्फ गोरे लोगों ने की हैं. अच्छा इंग्लैंड से तो नहीं कोई यहाँ पे ना है? तो देखो ना मत उनकी तरफ, कोई नहीं, हम उनको कौन सा पता चल रहा है हम क्या बोल रहे हैं. हमें इतने साल में पता चला वो क्या बोलते हैं, हमारी इंग्लिश का हाल ये है. अच्छा हम लोगों को पहले ये लगता था कि अंग्रेजों ने तरक्कियां की, वो क्यों लगता था? क्योंकि उन्होंने साबित भी किया था. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, हिंदुस्तान नेपाल पाकिस्तान सब लोग जा सकते हैं लेकिन हम नहीं चढ़ते, बाहर से गोरे लोग आके चढ़ जाते हैं. हम लोग आलस कर जाते हैं कि खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघला जा रहा है. हम लोग थोड़े आलसी होते हैं, ऐसी बात नहीं है. पर मैं कभी कभी मेरे गोरे लोगों के साथ थोड़ी कभी कभी बातचीत होती जितनी मैं कर पाता हूँ, मैं उनको ये बोलता हूँ, मैंने कहा आप लोग जो है मेहनत करते हो रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, हमारे ऊपर ऊपर वाले कितनी कृपा है, हमारे अपने आप बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता. आप देख लो सबसे लंबी मूछों का रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है. हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, उन्होंने छाप दिया गिनीज बुक में. उल्टा जब हम लोग बनाने जाते ना तब हमारा काम खराब होता है. आपको शायद याद होगा जी टीवी इंडिया पे एक प्रोग्राम आता था, कुछ तो था उसका नाम, उसमें ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाते थे अजीब अजीब लोग. एक आदमी आया और एंकर बड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहा है देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है. मतलब देख के ही होता था कि ये क्या हुआ, कर क्या रहा है, ये कौन सा रिकॉर्ड है, ये खुद भी तंग हो रहा है सांप को भी तंग कर रहा है. शुक्र है मैंने कहा सांप रास्ता नहीं भूल गया, नहीं तो ऐसा रिकॉर्ड बनता उसका कि मतलब बड़े बड़े अजीब अजीब चीजें होती हैं. पर खैर हायर कंपनी जो है ये
मुझे जावेद भाई ने बताया, मैं थोड़ी नॉलेज ले रहा था उनसे, चाइना से है ये कंपनी। अच्छा, मैंने देखा दुनिया में कुछ भी हो पैसा चाइना वाले कमा रहे हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में गणपति होता है, बन वहां पे रहे हैं, वहां से बन बन के आ रहे हैं, कई साल तो हमें पता नहीं चला। एक दिन हमने ध्यान से देखा, हमारे जो गणेश भगवान उनकी आंखें छोटी थी, तब हमें पता चला कि नीचे से देखा तो मेड इन चाइना लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है कोई चाइना से ना, है तो भाई माफ कर देना। देखो मैं ऐसे ही, तो यू आर जस्ट फॉलोइंग द, चलो हम भी कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज हमें फॉलो कर रहा है। पर हाँ, मैंने देखा ये कंपनी जो है बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनाती है, माइक्रोवेव्स, फ्रिज, एसी, सब कुछ ही बनाते हैं। सर कोई ऐसा है, कोई बीवी भी बनाती है ये कंपनी, टंगलेस बीवी हो जो तंग ना करे, ऐसा कुछ है फॉर्मेट? नहीं है कोई ऐसा। पर एनीवेज, पर मैं हम लोग जब भी कभी कॉर्पोरेट शोज जाते, मेरी माँ एक बात मुझे कहती, कहती तू जाना पुण्य का काम करता, लोगों को हंसाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब शादीशुदा लोग हंसते हैं तब मुझे लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है। नहीं तो बहुत सारे इवेंट्स हम लोग करते हैं, बैचलर लोग जो होते हैं उनकी हंसी बड़ी खुल के आती है, जो शादीशुदा आदमी उसके मुंह पे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं मुंबई में सहारा स्टार एक होटल है, 31 दिसंबर की नाइट को हम लोग वहां पे परफॉर्म कर रहे थे, मैं होस्ट कर रहा था, मल्लिका शरावत नाच रही थी वहां पे। मल्लिका शरावत आपको पता है बहुत मेहनती लड़की है, 31 दिसंबर को इतनी ठंड में भी उन्होंने मतलब जो भी ड्रेस पहनी अपना, मेहनत करती है लड़की। और मेरी बुरी किस्मत कह लो, मल्लिका की बुरी किस्मत कह लो, सामने सबके सब शादीशुदा लोग, और वो भी वो जिनकी शादी को 25-30 साल से ऊपर हो चुके हैं, एक्सप्रेशन ही मर गए उनके। वो लड़की नाच रही मैया मैया पर, वो ऐसे देख रहे हैं। किसी के चेहरे पे कोई स्माइल नहीं, एक आदमी ने गलती से स्माइल कर दिया, बीवी चढ़ गई उस पर, क्या देख रहे हो? कहता नहीं बहन जी अच्छा नाच रही, तो उस हिसाब से मैं ऐसा कुछ नहीं, डरा रहता है आदमी। और ये बड़े एक्सपीरियंस हुए हैं ऐसे। मैं जितने लोग, मैं हमेशा जब भी अपने शो में हंसी मजाक करते हैं, मियां बीवी की बातें करते हैं, तो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम लोग हंसी मजाक क्यों करते हो मियां बीवी के रिलेशनशिप के ऊपर। शर्मी, इन इंडिया एंड पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव ओनली वन वाइफ, या शी इज इनफ फॉर 7 जन्मों को क्या बोलते हैं, वट एवर। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, do foreigner wives, I mean, they also doubt on their husbands? Like in India, our wives and girlfriends are so, you know, spy. They spy on their husbands. So you guys are very everywhere. फिर तो इधर ही जन्म ले लेते, वेस्ट इंडीज में क्या जन्म लेने का फायदा? I'm saying that if it means a husband is a husband. Wherever he is, सुखी तुम लोग भी नहीं हो। पर इनकी एक बात मैंने देखी, सिक्स पैक इन सबके होते हैं, हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हम जो एशियन लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सिक्स पैक बनाने के लिए, इनके कुदरती होते हैं। I have family pack. Only I know how I am surviving. तो मैं हाँ बात कर रहा था कि मियां बीवी, लेकिन मैं शामी को आज अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ बता के जाऊंगा हमारे। लेकिन एक चीज है, मैं बोलता हूँ कि हम लोग मियां बीवी को बच्चे मर्जी हंसी मजाक करें, लेकिन सच ये है कि जो